मोबाइल के ऊपर तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेते ही होंगे, उसके साथ साथ मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने के काफी सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन क्या गाइस, आपको पता है आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो? अगर नहीं पता तो चलिए गाइस मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर की उस स्क्रीन को सेलेक्ट करना है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मैं यहाँ पर माय कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब ये मेरी स्क्रीन है तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसके लिए गाइस बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर आ जाना है, ठीक है। आपको दिख रहा है जैसे ये कीबोर्ड, आप देख सकते हो इसके ऊपर ये एक ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसके ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हो प्रिंट स्क्रीन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको बस सिंपली एक बार प्रेस करना, ठीक है। जैसे मैंने एक बार प्रेस कर लिया, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे हमने ये वाली स्लाइड सेलेक्ट की है। अब आपको इसको पेस्ट करना है, जैसे स्टार्ट मेन्यू में आकर पेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आकर इसको आपको वापस कीबोर्ड की सहायता से पेस्ट करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपके सामने जो हमने जो ये वाली स्क्रीन को प्रिंट स्क्रीनशॉट लिया वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो, अब इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो पार्ट आपको चाहिए या उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार से। आप देख सकते हो ये मैंने छोटा या बड़ा करके आपको बता दिया है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर इसको एडिट भी कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो आप। जैसे इतना ही एरिया हमको चाहिए तो हमने ये क्रॉप कर लिया, तो आप बहुत ईजी है गाइज। इसको सेव करना तो आपको पता ही है, पेंटिंग में जाना, इसको सेव करना तो बहुत ही आसान। इसके लिए आपको वापस सेव पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से कुछ भी नाम देके इसको सेव कर लीजिए। तो गाइस फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो स्क्रीनशॉट लेने से, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।